भागलपुर के नवाबबाग कॉलोनी में 5 मार्च 2020 को बहुचर्चित भागलपुर के सबसे बड़े अधिवक्ता बिहार के क्रिमिनल लॉयर अधिवक्ता बार काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष कामेश्वर पांडे और उनकी दाई रेणु झा की हत्या मामले में भागलपुर के डीजे 11 हमीर सिंह बघेल की कोर्ट ने आरोपी गोपाल भारती को दफा 302 और 380 के अंतर्गत दोषी करार दिया है। दफा 302 के तहत आरोपी गोपाल भारती को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई और जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। वहीं दफा 380 के तहत आरोपी को 5 वर्ष की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है और जुर्माना नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। एपीपी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि दोहरे हत्याकांड में अधिवक्ता कामेश्वर पांडे की लाश उनके बेड पर से बरामद हुई थी। वहीं उनकी दाई रेणु झा का शव पोटिको में एक ट्रंक में पाया गया था। इस केस में 14 गवाह प्रस्तुत हुए और 15 फरवरी 2024 को गोपाल भारती को दोषी पाया गया। वहीं रवीश कुमार और राजकुमार को इस मामले से बरी कर दिया गया था। क्या करने वाला जो है उसके परिवार के साये में है। बेकसूर जो एक राजनीतिक आदमी है उस पर ही दोषारोपण है। चूंकि हम सुरक्षित विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो सुरक्षित में अगर चुनाव दो बार लड़े इसीलिए हमारे भी दोषारोपण किया गया है। बच्ची को लेकर जिस तरह का जो है आपके नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। बस ये मेनली है कि हम जो यहाँ से 2 बार चुनाव लड़े 2014-2015 में वो हमको ही रास्ते से हटाने के लिए विरोधी जो चाल चला। कौन सा विरोधी? विरोधी क्या, और जो कॉकस ग्रुप लगा है जो एक दलित शोषित पर जो कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आज सजा सुना दी गई है, क्या लगता है क्या करेंगे इसके आगे जाएंगे क्या? वो तो आगे का बात आगे देखा जाएगा। हम तो जो न्यायिक प्रक्रिया है वो मेरे साथ हो रहा है। संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या, अब तो 4 साल से हम सजा ही भोग रहे हैं। आपका कन्फेशन भी तो था उसमें, स्वीकृति बयान भी है आपने जो है। कन्फेशन बयान मेरा कुछ नहीं था, ये जो है बेवजह हमको जो है ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर कराया गया था ला करके। मेरा कोई भी ऐसा कोई बयान नहीं था, कोई किसी ने मुझे देखा भी नहीं है। आगे जाएंगे, आगे का प्रक्रिया तो खैर हमारे वकील हैं वो करेंगे। लॉयर तो यहाँ हम खुद अपना केस तो खुद डिफेंड किए हैं हम यहाँ एक, लेकिन सर का जज साहब हमको जबरदस्ती एक दे दिए थे तो रमन सिंह थे वो बेचारा, जितना उनसे बंद पड़ा वो किए। निर्दोष है मान रहे अपने? बिल्कुल निर्दोष है हम, बिल्कुल निर्दोष। अगर निर्दोष नहीं रहते, हमारा दो मेरे साथ था वो चला गया शक के आधार पर, उनको जज साहब रिहा कर दिए। हमको रिहा नहीं करने के पीछे कुछ यहाँ का दबाव भी है, राजनीतिक साजिश भी है, और चूंकि वरिष्ठ वकील का हत्या था तो विरोध नहीं हो जाए इसीलिए हमको। तो आपको सहयोग भी तो मिला जो वकील? बिल्कुल सहयोग हमको मिल रहा है, जज साहब के द्वारा भी सहयोग मिल रहा है, पहले भी हमको राजनीतिक दल के जो सुप्रीमो है उनके द्वारा भी सहयोग मिला। मुलायम सिंह यादव हमको टिकट दिए थे आप जान रहे हैं, देवगौड़ा साहब आए थे आप ये भी जान रहे हैं, फिर पैती विधानसभा चुनाव लड़े थे। तो क्या कहना चाहते हैं बताइए? हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस हम निर्दोष हैं और ये हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से हमको मिल जाएगा, उम्मीद है हम बरी हो जाएंगे, ये हमको पूरा उम्मीद है। डीजे 11 हमीर सिंह बघेल जी के कोर्ट के द्वारा श्री कामेश्वर पांडे जो भागलपुर के वरीय अधिवक्ता ही नहीं थे बल्कि पूरे बिहार के एक विख्यात अपराधी अधिवक्ता थे और वो इतना ही नहीं बार काउंसिल के उपाध्यक्ष भी थे, उनके और उनकी दाई रेणु झा के डबल दोहरे मर्डर केस में जो कि 6 मार्च 2020 को हुई थी उनके नवाबाग स्थित अपने मकान में, और लोगों को जानकारी जो सबसे पहले प्राप्त हुई थी उनके जो ड्राइवर है पंकज कुमार वो जब उनके घर पर उनको कोर्ट लाने के लिए गया था तो उसी समय उसको जानकारी मिली और उसने देखा कि उनके जो मालिक हैं श्री कामेश्वर पांडे जी उनका छत विछत लाश वहाँ उनके बेड पर पड़ा हुआ था, और फिर जो है उसने खबर किया उनके रिलेटिव को, सारे रिलेटिव लोग उनके आए, वो रिलेटिव लोग आए सब ने देखा, फिर जो हुआ कि दाई कहाँ है, पुलिस आई और पुलिस सब ने खोजबीन जारी किया तो रेणु झा जो उनकी दाई थी उसका लाश जो है वहीं उनके जो नीचे पोटिको है उस पोटिको में एक ड्राम था, ड्राम में उसका पूरा लाश बांध बोध के मोर मार के डाला हुआ था, तो पुलिस ने वहां से उसको प्राप्त किया। तब छानबीन शुरू हुआ इस मामले में, सबसे पहले जो है 7 तारीख को 6 तारीख को घटना की जानकारी हुई थी और 7 तारीख को सबसे पहले इस मामले में एक अज्ञात अपराधी जो थे रवीश कुमार सिंह उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने जानकारी दिया। उनके कन्फेशन के आधार पर जो गोपाल भारती हैं जो
उनके रिश्तेदार अरविंद कुमार जो किशनगंज के रहने वाले थे वहाँ पर पता लगा कि गाड़ी जो है कमिश्नर पांडे की जो गाड़ी थी वो गाड़ी अरविंद कुमार के यहाँ घर पर पड़ा हुआ है। और तब पुलिस छानबीन शुरू की इधर से, और उधर जो अरविंद कुमार थे जो गोपाल भारती के रिश्तेदार थे उन्होंने भी किशनगंज पुलिस को खबर किया कि मेरे यहाँ ऐसे ऐसे गोपाल भारती दो आदमी के साथ आए थे। और उस खबर पर जो है पुलिस ने उस गाड़ी को रिकवर किया किशनगंज थाना ने। और तब वहाँ चूँकि सोशल मीडिया पर उन लोगों ने देखा कि जो ये गाड़ी लेके आए हुए हैं कामेश्वर पांडे जी जो भागलपुर के एक विख्यात अधिवक्ता हैं उनकी गाड़ी है और उनका मर्डर हो गया है, ये सोशल मीडिया पर देखकर वो लोग घबरा गए। आ चूँकि ये लोग वहाँ गाड़ी छोड़कर भाग गया तो उसके बाद उन्होंने खबर किया, तब किशनगंज पुलिस ने उस गाड़ी को रिकवर किया। तो ये मामला यहाँ आया उसके बाद दो दिन के बाद जो है वहाँ वीरपुर में जो है दोनों गोपाल भारती और राजकुमार जो एक अन्य मुदाले थे दोनों पकड़ाए थे, वहाँ एक साथ पकड़ाए थे। तो बहुत सारे अभियोजन की ओर से इसमें 14 गवाही प्रस्तुत किया गया और 14 गवाही को प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को न्यायालय ने तीन मुदाले जो ट्रायल फेस कर रहे थे उस तीन मुदाले में गोपाल भारती को दोषी पाया 302 भादवी और 380 भादवी में जो कि मर्डर का सेक्शन है, और उसमें दोषी पाते हुए आज सजा के बिंदु पर रखा गया था। और 15 तारीख को जो इस मामले के दो मुदाले हैं रवीश कुमार सिंह और राजकुमार उनको 15 तारीख को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए उन दोनों को बरी कर दिया। और आज जो है सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई न्यायालय में और सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों का सुनवाई करते हुए 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपया जुर्माना दिया गया, और 380 में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई और 5 वर्ष की सजा सुनाई गई और 1,000 रुपया जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं 302 में जो सजा दी गई और जो जुर्माना लगा जो सजा दी गई और जो जुर्माना लगाया गया उसमें कहा गया कि अगर डिफॉल्टर रहेंगे तो उनको 1 वर्ष अतिरिक्त सजा उसमें जाएगा और अगर 380 में डिफॉल्टर रहेंगे तो 3 माह अतिरिक्त सजा जाएगी। ये 4 साल क्यों लगे? 4 साल ट्रायल में इसलिए लगे कि जो पुलिस ने अनुसंधान किया था, ऐसे तो पुलिस जो अभियोजन को सांग है उसका बहुत सहयोग हमें प्राप्त हुआ और हम अपने लोक अभियोजक महोदय को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट केस हमको हम पर विश्वास करते हुए हमको दिया कंडक्ट करने के लिए। समय इसलिए लगा कि पुलिस ने जो अनुसंधान किया था और जो आरोप पत्र समर्पित किया था तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट गवाह थे उस गवाहों का नाम चार्जशीट में नहीं लाया गया था। इवन जो गोपाल भारती के रिश्तेदार हैं उसका नाम जो अरविंद कुमार जो किशनगंज से गवाही के लिए हमने बुलाया तो वो उनको भी गवाह नहीं बनाया गया था। तो उस प्रक्रिया में हमको गुजरने में पिटीशन दिए, बहस हुआ, अलाउ हुआ, तब गवाही को सम्मन हुआ, थोड़ा समय लगते गया। सर अपना परिचय दे। और मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी हुआ, इस मामले का सरकार की ओर से मैंने ही संचालन किया है। के पाठक स्कूलों की व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में के पाठक ने नौगछिया के 2 प्रखंडों रंगरा और गोपालपुर के स्कूलों का निरीक्षण किया। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नौगछिया के मध्य विद्यालय डुमरिया, सैदपुर हाई स्कूल और SBS इंटर स्कूल लतीपाकर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मध्य विद्यालय डुमरिया स्कूल में सफाई और स्कूल की व्यवस्था को देखकर नाराज हो गए और स्कूल के प्रधानाचार्य को तुरंत लंबित करने का आदेश दे दिया। उन्होंने स्कूलों में व्यवस्था को सही करने का निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव उच्च विद्यालय सैदपुर में क्लासरूम, शौचालय और प्रयोगशाला के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान के पाठक ने बच्चों से भी बात की। बच्चों से बातचीत के दौरान के पाठक ने पढ़ाई के अलावा खेलकूद की पूरी जानकारी ली। स्कूल में करीब 1 घंटा गुजारने के बाद पाठक स्कूल की व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई दिए। वहीं SBS इंटर स्तरीय हाई स्कूल लत्ती पाकर निरीक्षण के दौरान के पाठक ने स्कूल में चल रहे वार्षिक परीक्षा के बारे में शिक्षकों से जानकारी ली और स्कूल की व्यवस्था को देखकर काफी खुश हुए, जिसके बाद के साथ सेल्फी लेने के लिए शिक्षकों सहित छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया
तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिला परिषद सदस्य दो गुट में देखे गए, जहां दोनों पक्षों के लोग ने जिला परिषद अध्यक्ष के पद को लेकर मतदान भी किया। साथ ही जिला परिषद के सभी सदस्यों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर नवेश्वर चौधरी ने भी बैठक की। अब आदेश आना बाकी था कि अचानक जिलाधिकारी को उच्च न्यायालय से एक फोन आता है कि सारी कार्रवाई वहीं धरी के धरी रह जाती है। जिलाधिकारी ने सबों को अभी रुक जाने का आदेश दिया और सबों से उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अभी इस मामले को लेकर रोक लगा दी है, कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। भी कुछ सदस्यों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया, साथ ही जिलाधिकारी को भी बुरा भला कहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब कोर्ट का आदेश आता और फैसला किसके पक्ष में जाता है। मोबाइल अभी पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार आज जिला परिषद के सदस्यों की बैठक बुलाई गई मोबाइल और बैठक के अनुसार कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में माननीय उच्च न्यायालय के JP 24 का मेरे पास फोन आया, मैं नहीं उठा पाया, मैसेज आया। तो मैसेज के रिस्पांस में जब बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभी रिजल्ट का डिक्लेरेशन या अग्रतर कार्रवाई पे रोक लगाई गई है, आप तत्कालिक रूप से उसे रोक दें और फिर ऑर्डर भी मैं इन राइटिंग आपको भेज रहा हूँ और फिर आगे की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में किया जाएगा। उसके बाद हम लोग को आगे अंदर सर वोटिंग वोटिंग का ऐसा कुछ हुआ था, ये अंदर क्या हुआ था सारी चीज़ें गोपनीय हैं, उसको हम बाहर आप नहीं बता सकते हैं और जो भी चीज़ें जो प्रक्रिया है वो माननीय उच्च न्यायालय के लिए आरोप में की जा रही है। तो फिर माननीय उच्च न्यायालय का जो जिस तरीके से निर्देश प्राप्त होता है आगे आप उनको करते हैं। आज शाम में फिर बुलाया गया है क्या सर? नहीं, शाम में किन्हीं को नहीं बुलाया गया है। ऐसी जानकारी दी गई है कि माननीय उच्च न्यायालय में दोबारा सुनवाई आज की जा सकती है। वही मैंने सभी अपने जिला परिषद के सदस्य दलों को लोग डीएम साहब के अध्यक्षता में मीटिंग का डेट हम लोग को मिला था कि आज 23 को मीटिंग होगा, जैसा कि हम लोग टाइम पे ही मीटिंग अटेंड किए हैं, सभी लेट पहुंचे हैं, उसके लिए भी हम लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और मीटिंग में जहां तक हम लोग अपना पक्ष रखें कि 18 आदमी हम लोग हटाए जाने के पक्ष में थे, तो हम लोग सर को बोले कि क्या कोई मुद्दा पे चर्चा, तो चर्चा तो विशेष हम लोग नहीं बोले कि हम लोग का मत विभाजन कर दीजिए, एक ही डिसीजन में हम लोग क्लियर कर दिए। तो सर भी बोले, सर वोटिंग भी हुआ हम लोग को, सर सब डीएम साहब वोटिंग भी करवाए, सारा चीज़ क्लियर होने के बाद सब कुछ मिलने के बाद आखिर घोषणा करने के बाद 40 मिनट पहले ने उनको कॉल क्लियर करने के बाद जस्ट मेरे सामने कॉल आया, उसके बाद बोले कि 40 मिनट पहले, तो डीएम साहब के हाथ में क्या कुछ नहीं है? ऐसा क्या डिसीजन होने के बाद ऐसा होता है? हम लोग को डिसीजन मिलने के बाद ऐसा किया गया है, कोर्ट फोन करने के बाद ऐसा डिसीजन, इससे डीएम साहब से हम लोग को काफ़ी तकलीफ लगा और इस मुद्दे पर हम लोग मतलब तकलीफ क्या, हम लोग तकलीफ से उभर ही रहे हैं। जैसा कि आज हम लोग काफ़ी उम्मीद लगा के आए थे कि आज हम लोग को कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, आज हम लोग फिर से निराश होकर जा रहे हैं ये डीएम साहब के वजह से हम लोग को ये करना, क्योंकि डीएम साहब हम लोग के पक्ष में है ही नहीं। हम तो यही बोलेंगे कि डीएम साहब हम लोग के फेवर में है ही नहीं, क्योंकि हम लोग का हो चुका है। क्या नाम हो आपका? रिंकू सिन्हा। बैठक में जो गए हम लोग का यही कहना है कि हम लोग डीएम साहब सारा चीज क्लियर कर दिए, वोटिंग हो गया क्लियर कर दिए कि ये मतलब 18 वोट ये है पक्ष में गया है, ऐसे सारा चीज क्लियर होने के बाद उसके बाद घोषित होने के बाद नाम घोषणा करने के बाद उसके बाद डीएम सर बोले कि आप लोग का कोई ये चल रहा है क्या? सो अभी नहीं, और हम लोग को टाइम दिया गया कि 4:30 बजे इस मुद्दे पे फिर से आप लोग को बुलाया जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि डीएम साहब किसी दबाव में है, हम लोग का फेवर सुनना ही नहीं चाह रहे, किसी बात को रखना नहीं चाह रहे, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता कि उसको कट किया जाए। और इसका सच्चाई है, फोटो है, वीडियोग्राफी है, सब कुछ है अंदर में, उसको हर चीज को जांच किया जाए। डीएम साहब तो यही कहेंगे, डीएम साहब लिख चुके हैं। क्या नाम है? रिंकू सिन्हा। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि डीएम सर बीच में लिखित फोन पे ही नहीं, लिखित तो मेरे पास हम लोग के पास तक कोई जानकारी ऐसा नहीं, घोषणा करने के बाद ऐसा हुआ है, हम लोग भी परेशान है। किनका फोन आया था? अब सर हम नहीं बोले, आप इनका आया था हमको नहीं पता, फोन आया था, फोन आया, उसके बाद फोन आने के बाद डिसीजन किया। आप लोग का कुछ मुद्दा चल रहा है? बोले की पता नहीं सर हम लोग को, वो विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना था और मतदान होना था, तो हम लोग 18 जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे, चर्चा परिचर्चा भी हुआ और उसके बाद हम लोग मतदान की प्रक्रिया में आए। डीएम सर, डीपीआरओ सर, एडीएम सर, सभी ने मत पत्र
दिखाए, नमूना दिखाए, इस तरह से वोटिंग करना है, हटाए जाने के पक्ष में, रखने के पक्ष में अध्यक्ष के। तो हम लोग 18 के 18 आदमी थे जो जिला परिषद अध्यक्ष के अनंत कुमार के खिलाफ में उसको हटाए जाने के पक्ष में 18 वोटिंग किए, 18 मत सही पाया गया। डीएम साहब, एडीएम साहब, डीपीआरओ सर, सभी के सामने में, सभी जिला परिषद सदस्यों के सामने में गिनती हुआ, 18 मत वैध पाया गया। इससे अनंत शाह की कुर्सी चली गई। सर क्या लगता है डेट पे डेट है? तो घोषणा करने के बाद डीएम सर को किसी जगह से फोन आया जो बोले कि 4 बजे घोषणा। क्या लगता है किसी के दबाव में ऐसा हो रहा है? किसी के दबाव में तो जरूर है डीएम साहब। फिर डेट पे डेट मिल रहा है क्या? डेट अभी 4 बजे, अभी घोषणा आप लोगों के सामने होना चाहिए कि अध्यक्ष पद का रिक्त हो गया, लेकिन अभी आप लोगों के सामने भी डीएम साहब बयान। क्या लगता है फिर डेट मिल गया? अब क्या है डीएम साहब बता सकते हैं, किनके दबाव में आ रहे हैं कि किनके, हम फोन का कुछ नहीं। अगर हाई कोर्ट का लिखित आदेश इनको मिल जाता तो ये घोषणा रोक सकते थे, लेकिन ऐसा ये कोई आदेश पत्र इनको नहीं आया, किनका फोन आया नहीं आया, हम कैसे मान लेंगे? मान लें कि हाई कोर्ट का आदेश था कि जीपी 24 का था, कौन साहब का था कि अन्य आदमी का था, डीएम साहब को जो प्रक्रिया हुआ उसको घोषणा तुरंत का तुरंत करना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। कुछ दिन पूर्व पटना में भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने बिहार के सभी प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए थे। इसके बाद आज भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर एसपी आनंद कुमार, सिटी एसपी मिस्टर राज सहित जिले के सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी, निर्वाचन से जुड़े अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी एवं सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी जहां शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर सभी कवायद शुरू करने की बात करते दिखे, वहीं सीनियर एसपी आनंद कुमार ने बताया कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े सीमावर्ती इलाके जो झारखंड और बंगाल से जुड़ते हैं, वहां पर अभी से ही पोस्ट बनाकर उस रास्ते से आने जाने वाले सभी गाड़ियों और लोगों को सघन चेकिंग की जा रही है, जिससे चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए शराब, मादक पदार्थ और अन्य सामग्रियों को भागलपुर प्रवेश करने से रोका जा सके। वहीं सीनियर एसपी ने यह भी बताया कि दियरा क्षेत्र में और असामाजिक तत्वों पर पहली नजर रखी गई है, साथ ही साथ अपराधियों के खिलाफ दियरा इलाके में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज विधि व्यवस्था के संबंध में ये बृहत बैठक थी, जिसमें कि एसएसपी साहब, एसपी नौगछिया, हमारे सभी एसडीओ, सभी एसडीपीओ, सभी थाना प्रभारी, सभी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, सभी लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही सभी बीडीओ, सभी सीओ, यानी पूरा जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी के साथ सभी अधिकारी उपस्थित थे। इसमें हम लोग आगामी चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग का कई निर्देश प्राप्त हुआ है एवं विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने बृहत रूप से अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। और इसके अतिरिक्त हमने भू विवाद पर भी उत्पाद के कई मैटर्स आते हैं, यानी शराबबंदी को बृहत तरीके से लागू करने के लिए, और निर्वाचन के संबंध में भी कई निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी वोटर वोट करने से नहीं छूटे, उसके लिए जो उसको वोट करने से ऐसे कोई भी लोग उसको जो रोकता है उसकी सूची बनाई जाए, ताकि पहले वो हम उस पर कार्रवाई कर दें, ताकि चुनाव के दिन कोई समस्या नहीं हो। और मुझे विश्वास है कि हमारी पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करेगी और काफ़ी अच्छा। देखिए, आसन्न लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जितने भी हमारे थाने लगते हैं झारखंड की सीमा से, विशेष तौर पर 2 जिलों से हमारी सीमा है, गुड्डा और साहेबगंज, और उन सभी चेक पोस्ट का दौरा किया गया है। और वहाँ पे हम लोग 2 कंपोजिट चेक पोस्ट स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें कि जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, सभी के प्रतिनिधि वहाँ पर रहेंगे। और जो भी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगे या जो लोग उनके गुजरेंगे, तो उनकी प्रॉपर चेकिंग हो और हर दृष्टिकोण से उसकी चेकिंग हो, चाहे वो प्रोहिबिशन के एक्साइज के ऑफिसर्स हों या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हों, माइनिंग के ऑफिसर्स हों, जीएसटी के ऑफिसर्स हों, इनकम टैक्स के जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, तो पूरी तरह से उस चेक पोस्ट को हम लोग आने वाले दिनों में फंक्शनल करेंगे। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी अधिस्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ 6 अन्य जगह पर पुलिस के द्वारा भी चेक पोस्ट अभी स्थानीय स्तर से, थाना स्तर से संचालित किए जा रहे हैं। उनको और हम लोग रीइन्फोर्स करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि जितनी भी गाड़ियाँ और आदमी आ रहे हैं झारखंड से, उनकी प्रॉपर चेकिंग हो और जो कैश हो, लिकर हो, आर्म्स हो या अन्य कोई कॉन्ट्राबैंड हो, मादक पदार्थ हो, उनके परिवहन पर हम लोग रोक लगा सकें और जो चुनाव है
उसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उस पर रोक लगे और चुनाव शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से हम लोग संपन्न करा सकें। ईडी के द्वारा लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा जा रहा है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी के भागलपुर जिला प्रभारी इंजीनियर सत्येंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौता हो गया है। इंडिया पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी को असम, गुजरात, पंजाब और दिल्ली लोकसभा चुनाव में देने की तैयारी भी हो गई है। आगे इंजीनियर सत्येंद्र ने कहा कि सीट शेयरिंग के बाद हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भाजपा के द्वारा धमकी भी दी जा रही है, लेकिन हमारी पार्टी इस धमकी से डरने वाली नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी को पता चल जाएगा, किसी भी सूरत में भाजपा पार्टी की जीत नहीं हो रही। भाजपा पार्टी जो 400 सीट पर जीत का सपना देख रही है वो 40 सीट पर ही सिमट जाएगी। आज के प्रेस वार्ता में सैफुल इस्लाम, बाबुल विवेक, चिक्कू रघुवंशी सहित कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखा है कि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का समझौता हो चुका है। दिल्ली, असम, गुजरात और पंजाब में पार्टी गठबंधन पे चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ेगी, और लेकिन भाजपा और केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को ईडी के सातवें नोटिस के जाने के बाद भी कानूनी तौर पे उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो अब सीबीआई का सहारा लेना चाह रही है और जैसे बार बार आम आदमी पार्टी के लोगों के पास ये धमकी आ रही है कि आप इंडिया गठबंधन से बाहर जाएं, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन धमकी दे रहा? भाजपा और उनके टीम के लोग, उनके नेता। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में बड़े बड़े हिटलर शाहों का नहीं चला है, तो मोदी जी देश की जनता मालिक है। आपको लोकसभा चुनाव में यह महंगा पड़ेगा और 400 सीट का जो ख्वाब देख रहे हैं वो हो सकता है 40 में सिमट जाए। भागलपुर के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में देर शाम आगामी त्यौहार शिवरात्रि शुभरात को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर रमेश चौधरी और वरीय प्रशिक्षक आनंद कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी ने शांति समिति सदस्यों के साथ वार्ता कर सुझाव लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी त्यौहार को लेकर सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसके लिए संवेदनशील जगहों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। माघी पूर्णिमा एवं सबे बारात को लेकर के अभी एक बैठक आयोजित की गई थी और आगामी हमारा एक बड़ा पर्व महाशिवरात्रि भी है और एक लोकतंत्र का महापर्व है। सभी अवसरों को देखते हुए शांति समिति के विभिन्न सदस्यों के साथ हम लोग की बैठक की गई है। शांति समिति के सदस्यों के द्वारा कई सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें इन लोगों ने ये प्रस्ताव को पारित किया है कि डीजे का किसी भी पर्व में डीजे बंद हो, शांति समिति के सभी सदस्यों ने पारित किया है। दूसरा कि यदि शहर में एक निश्चित क्षमता से अधिक साउंड में डीजे बजता है उन सबको भी प्रतिबंधित किया जाए। तीसरा कि सभी सदस्यों ने ये जिम्मेवारी लिया है कि हम अपने इलाके में जितने भी पर्व हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से कराएंगे, और कुछ जगहों पे साफ सफाई को लेकर के इश्यूज था जो हमने विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया है। और हमारे चूँकि अभी सभी अधिकारी नए हैं, खास करके सभी थाना प्रभारी, सभी CEO, कुछ हमारे BDO नए हैं और कुछ सीनियर ऑफिसर भी नए हैं, उससे मैंने इंटरेक्ट कराया है शांति समिति के सभी सदस्यों में, सभी सदस्यों को, और हमने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वो छोटे छोटे मोहल्लों में जाकर के भी छोटी छोटी बैठकें कर लें ताकि वहाँ की जो आम समस्या है उससे भी रूबरू हो जाएं एवं उससे परिचित भी हो जाएं, ताकि उनकी समस्या कभी कुछ हो तो हम लोग तुरंत उसको निस्तारित कर सकें। मुझे भरोसा है कि सभी पर्व को हमारे शांति समिति के सदस्यों के साथ हमारे सभी अधिकारीगण काफ़ी बेहतर तरीके से इसको निष्पादित करेंगे। मैं आम जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग सभी पर्वों को एक दूसरे के साथ मिल करके और एक समरसता के साथ, एक सौहार्द के साथ सेलिब्रेट करें, ताकि हमारा भागलपुर का नाम हमेशा इन चीज़ों में अव्वल रहे और लोग गर्व से कह सके कि भागलपुर में एक शांतिपूर्ण माहौल है और शांतिपूर्ण तरीके से सारे पर्वों का निष्पादन हुआ है। क्या कुछ खास है त्यौहार को लेकर? देखिए, अभी शांति समिति, जिला शांति समिति और नाथ नगर शांति समिति दोनों के सदस्यों के साथ एक लंबी मीटिंग
हमारे डीएम साहब के और जितने हमारे पदाधिकारीगण हैं उनके साथ हुआ है। आगामी जो कल एक माघी पूर्णिमा का त्यौहार है, उसके बाद फिर शबे बारात है, और शबे बारात में भी जो भी महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पे लोग इबादत करने जाएंगे और जितने भी महत्वपूर्ण रास्ते हैं, सभी रास्तों और स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। जहाँ पर कोई भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको भी नोट किया गया है, उनको भी हल करने का प्रयास किया जा रहा है, और सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। और हम लोग जो हमारी QRT है वह भी लगातार पूरे रात्रि में मोबाइल रहेगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और सभी शांति समिति के सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र में तैनात रहें। फाइलेरिया की दवा खिलाने से स्कूली बच्चों को वोमिटिंग होने से अफरा तफरी मच गई थी, साथ ही दर्जनों बच्चों की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। इससे अभिभावक काफी आक्रोशित व गुस्से के मुद्रा में दिखे। संस्थानों में भी लोगों ने बाधा पहुंचाया। इस वजह से फाइलेरिया की दवा खिलाना तत्काल भागलपुर में बंद कर दिया गया था। लेकिन यह फाइलेरिया की दवा सुरक्षित है, बिहार सरकार द्वारा सर्टिफाइड करके दवा बच्चों के बीच दिया जा रहा है। भयमुक्त होकर खिलाने की अपील करते दिखे आज भागलपुर की अस्पताल अधीक्षक। उन्होंने कहा कि यह दवा फाइलेरिया के परजीविका को मार देता है। मारते हुए परजीविका के प्रतिक्रिया स्वरूप कभी कभी सर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, उल्टी तथा बदन पर चक्की जैसी मामूली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। इसे घबराने की बात नहीं है। साथ ही का यह दवा खाने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, परंतु बहुत फायदेमंद है। किसी की शारीरिक क्षमता अच्छी होती है और किसी की कम, जिससे यह क्रिया प्रतिक्रिया होती है। वहीं प्रेस वार्ता में जन जन तक इस बात को बताने की कवायद करते दिखे। 10 तारीख को जो राउंड शुरू हुआ, स्कूल में जो राउंड शुरू हुआ उसमें बहुत सारे बच्चे जो है उनको दवाई का रिएक्शन हो गया, वो उनको उल्टी होने लगा, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो बच्चे के अभिभावक और भी जनसाधारण लोग थे वो ज्यादा एग्रेसिव हो गए, उग्र हो गए, और उसके बाद कि कुछ संस्थान में जो स्वास्थ्य संस्थान है उसके कार्यकलाप में भी बाधा पहुंची कि आप नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, बंद कीजिए। तो इस वजह से प्रशासनिक दृष्टिकोण से दवाई खिलाना भागलपुर में तत्काल स्थगित कर दिया गया। तो लेकिन है कि ये प्रोग्राम जो है प्रिवेंशन के लिए है, तो प्रिवेंशन के लिए जैसे आप टीकाकरण करते हैं या और भी जो उपाय लाते हैं उसी के तहत हमको फलेरिया रोग बढ़े नहीं भागलपुर जिला में, उसके लिए हमको प्रयासरत रहना है। तो फिर ये कॉन्फ्रेंस हम लोग इसलिए मिला है कि आप लोग कृपया जनसाधारण ने अपना मीडिया के थ्रू ये संदेश दें कि ये दवाई ठीक है और खाने के बाद थोड़ा सा जो दुष्प्रभाव होता है उसके लिए वो हल्का सा साइड इफेक्ट है, वो किसी किसी में ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसके शरीर में फलेरिया का परजीवी मर रहा है, पहले से है, दवाई खाया तो उसको उसके वजह से जीवित लाना, उल्टी होना, सर चकराना, चकत्ता होना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वो जल्दी ही उसको क्योर किया जा सकता है, जल्दी ही उसको ठीक किया जा सकता है। तो इस कारण अगर ऐसा रिएक्शन किसी को हो गया तो इस कारण प्रोग्राम को बाधित नहीं हो, आप लोग भी ये संदेश दें। फलेरिया की दवाई सुरक्षित है, सर्टिफाइड होकर बिहार सरकार द्वारा दी गई है, उसको लोग बिना भयमुक्त होकर खाएं, और भयमुक्त होकर खाएंगे उनका साइकोलॉजी जानकार नहीं होगा कि दवाई खाने के बाद हमको रिएक्शन कि फाइलेरिया का उन्मूलन हो सके, इसका रेट भी अगर कम होता चला जाएगा तो हम लोग उन्मूलन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ये दवा कम्प्लीटली एकदम सुरक्षित है और इसके दवा खाने से ऐसे किसी तरह का सामान्यतः कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। किन्हीं किन्हीं लोगों में इस तरह का मामूली लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे बुखार है, सर दर्द है, बदन दर्द है, पेट में दर्द हुआ, उल्टी होना, जी मितलाना, बदन पे चकत्ता होना, ये साधारण चीज़ें हैं जो आम अन्य भी दवाओं के खाने से हो जाती हैं। तो ये भी एक दवा है, इसमें भी इस तरह का चीज़ हो सकता है। लेकिन MDA की दवा में एक चीज़ ऐसा भी देखा गया है कि जिसमें फाइलेरिया के परजीवी जीवित रहते हैं उनको चूंकि ये दवा मारने का काम करती है तो मरते समय उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ लोगों में जो लक्षण है वो ज़्यादा उभर कर आ सकते हैं, जो मामूली ही होते हैं और समय के साथ स्वतः ठीक हो जाते हैं, 3-4 घंटा में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। फिर भी रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया हुआ है, अगर इस तरह के कोई भी केसेस देखने को मिलते हैं कहीं भी दवा खिलाते समय तो वो रिपोर्ट तुरंत इन्फॉर्म कर देना है, वो टीम वहाँ जाके उस जो जिसके साथ इस तरह का हुआ है लक्षण जिनमें मिल रहे हैं उनको अटेंड करेगी और उसको ट्रीट करेगी।
अगर जरूरत हुआ तो सदर हॉस्पिटल या अगर पेरिफेरी में है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, अगर जरूरत पड़ा तो सदर हॉस्पिटल या मायागंज में भी भेजा जा सकता है मरीजों को। तो अभी सर कितने बच्चों को अभी तक खिला दिया गया है दवाई? अभी जो 10 फरवरी से शुरू हुआ था उसमें प्रथम 3 दिनों में स्कूल वगैरह में टारगेट ज्यादा किया गया था, बूथ लगा के बच्चों को दवा खिलानी थी। उस 3 दिन तो हमारे पूरे हो चुके हैं, जिसमें जो कवरेज है वो 2,86,849 लोगों को दवा खिलाई जा चुकी है, जितना रिपोर्टेड है अभी हम लोगों के पास। कुछ जगह का रिपोर्टिंग भी नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ संख्या और भी बढ़े। फिर से कब से चालू होगा सर? अब इन 3 दिनों के एक्टिविटी के बाद हम लोगों को हाउस टू हाउस दवा का सेवन करवाना था, जिसके लिए टीम का गठन पहले से किया हुआ है, और ये अब घर घर जाके घर के सभी सदस्यों को दवा खिलानी है। केवल उन लोगों को दवा नहीं खानी है जो 2 साल से नीचे की उम्र के हों, गर्भवती महिला हों या गंभीर रूप से बीमार हों, अन्यथा पूरे पॉपुलेशन को, जन समुदाय को ये दवा खानी है। ये कब से शुरू होगा फिर से? ये 24 तारीख, कल 24 फरवरी से हाउस टू हाउस का एक्टिविटी हम लोग शुरू करेंगे। क्या कहेंगे यहाँ जनताओं को या फिर जनता से? मेरी अपील है, ये एक बहुत ही अच्छा अभियान है और आप लोगों की भलाई से ही के लिए ही ये किया जा रहा है। तो फाइलेरिया का लक्षण जो है, अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो फाइलेरिया का लक्षण तुरंत नहीं आता है, ये 5 से 15 साल लग सकते हैं इसके उभर लक्षण आने में, और इस बीच में आप संक्रमित रहते हैं। अगर ये दवा खाते हैं तो वो जो संक्रमित होने के बावजूद भी फाइलेरिया आपके शरीर में नहीं होगा, अन्यथा अगर सेवन नहीं करते हैं तो आप देर सवेर आपके अंदर ये लक्षण उभर के आएंगे, और वो एक बार अगर लक्षण उस तरह के उभर के आ जाते हैं, हाथी पांव हो जाता है, तो फिर उसे दूर नहीं किया जा सकता है। आजीवन आप आपके शरीर की कुरूपता भी बने रहेगी, आप विकलांग भी हो सकते हैं, उसके साथ ही जीवन धोना पड़ेगा आपको। तो ये सारी जो प्रयास है सरकार का, ये आप लोगों की भलाई से ही संबंधित। भागलपुर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन और निगम प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। शहर के घंटाघर चौक स्थित निगम प्रशासन ने अतिक्रमण कर सड़क पर बनाई दुकान से दुकानदारों को खदेड़ा, साथ ही दर्जनों दुकानों को सड़क के किनारे से हटाया। इस दौरान दुकान हटाने के लिए निगम कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। निगम प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चल रहा है, नगर आयुक्त सर के द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी लोगों से जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनसे फाइन भी लेना है और हटा भी देना है। ठीक है, आगे भी चलेगा? हाँ, ये विशेष अभियान चलते रहेगा। अभी क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं वो सब खाली कर ले, नहीं तो उन पर जुर्माना भी लगेगा और उनका सामान भी जब्त करेंगे। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मखना गांव में शिव मंदिर के परिसर में 8 जगह पर प्लास्टिक के गैलन मिट्टी के तहत तहखाना बनाकर मसालेदार देसी शराब बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। आपको बता दें, पिछले कई महीनों से शराब बनाने का खेल उस गांव में चल रहा है। वहीं शुक्रवार को मंदिर परिसर में कुछ बच्चे खेल रहे थे, खेलते समय जमीन धसा तो खुदाई में जमीन के अंदर तहखाना में गैलन में भरा देसी मसालेदार शराब बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। मौके पर ग्रामीणों ने जगदीशपुर थाना अध्यक्ष को सूचना दी। थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ कर छापेमारी की, जिसमें 8 जगह पर प्लास्टिक गैलन से भरा देसी मसालेदार शराब बनाने में उपयोग मटेरियल को नष्ट किया गया। वहीं जमीन के नीचे से खोदकर 14 बोतल में से 9 लीटर विदेशी शराब को भी बरामद किया गया। वहीं 2 युवकों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है।